हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव स्टडी। लाइव स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी को बताया, हम अपने कंप्यूटर के सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, द सेपरेशन ऑफ द डाटा डेफिनेशन फ्रॉम द प्रोग्राम इन डीबीएमएस इज नोन एज, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि मुझे किसी डाटा डेफिनेशन को अलग करना है किसी प्रोग्राम में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को अलग करते हैं तो उसका मतलब कहता है इंडिपेंडेंट होना, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम डाटाबेस में, उसको बोलते हैं डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास, विच टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज इज यूज टू मैनेज सिक्योरिटी ऑफ डाटाबेस, है ना। मुझे सिक्योरिटी को इन्हांस करना है तो मुझे कौन सी लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज में, है ना। तो हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, हम लैंग्वेज पढ़ते हैं डीसीएल। ठीक है, डीसीएल लैंग्वेज पढ़ते हैं इसमें, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं सिक्योरिटी को इन्हांस करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं डीसीएल को, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, है ना। इसमें कौन कौन सी हम कमांड्स पढ़ते हैं, एक कमांड हम पढ़ते हैं कौन सी, ग्रांट, है ना। एक कमांड हम पढ़ते हैं ग्रांट और दूसरी हम पढ़ते हैं रिवोक। ठीक है, तो मेनली हम ये दो कमांड्स पढ़ते हैं डीसीएल के अंदर। ग्रांट का मतलब होता है किसी फाइल को, मुझे मान लो मैंने किसी फाइल को परमिशंस दे रखी है। ठीक है, परमिशंस मान लेते हैं कोई एक कंपनी है ना, उस कंपनी में एक जो मेन पर्सन है उसने क्या बोला है कि जो मेन दो तीन पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, उस फाइल को, मान लो एक फाइल है उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी मैंने उनको अथॉरिटी प्रोवाइड करके रखी है। ठीक है, तो वो सारी की सारी अथॉरिटी मैं दूंगा किससे, मैं दूंगा ग्रांट की हेल्प से, है ना। जब भी मैं किसी चीज़ को ऑथराइज करूंगा, फिर किसी को मतलब परमिशन दूंगा, तो परमिशन मैं दूंगा ग्रांट की हेल्प से। और मान लो मुझे क्या करनी है, वो परमिशन किसी पर्सन से वापस लेनी है ना, तो वापस मैं किससे लेता हूँ, रिवोक कमांड से, है ना। तो ये किसके अंदर आती है, दोनों के दोनों हमारी डीसीएल के अंदर, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ रिलेशनल डाटाबेस डिवेलपर रेफर्स टू अ रिकॉर्ड एज, है ना। तो हम रिलेशनल डाटाबेस की बात करते हैं। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस की मतलब हम किसकी बात करते हैं, हम ईआर मॉडल की, है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं, हम टेबल्स और रोज की फॉर्म में जो डाटा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ईआर मॉडल बोलते हैं एक तरह का, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल मॉडल बोलते हैं। तो यहाँ पूछा कि डिवेलपर एक रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं ईआर मॉडल के अंदर, है ना। तो जब भी याद रखना, जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आता है रिकॉर्ड क्या बोलते हैं, तो जो रिकॉर्ड क्या होगा, पर्सन, यहाँ पे कोई एक रो पर्टिकुलर, एक रो, है ना, एक पर्टिकुलर जो रो है इसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं, या फिर इसका जो अल्टरनेटिव नाम होता है इसको हम बोलते हैं एज अ टप्पल। नेक्स्ट आ गया, द मेथड ऑफ एक्सेस विच यूजेज की ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज, है ना। यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जिसमें कीज का यूज करते हैं बेसिकली, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, डायरेक्ट, हैश, रैंडम या फिर सिक्वेंशियल। ठीक है, तो यार ना, जब भी हम एक्सेसिंग मेथड की बात करते हैं डीबीएमएस में, तो हम यूज करते हैं हैश मेथड का या फिर हैश की का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर इन एमएस एक्सेस, कि एमएस एक्सेस में कितने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, है ना। तो कितने टाइप ऑफ रिलेशनशिप होते हैं हमारे एक्सेस के अंदर, थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप वहां पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड डाटाबेस ऑफ ऑफिस एक्सेस, है ना। जब हम एक्सेस के अंदर कोई जो एक फाइल या फिर एक डाटाबेस को सेव करते हैं, तो उसमें किस तरह की एक्सटेंशन से वो उस फाइल को या फिर डाटाबेस को सेव करता है, डॉट एक्सेल से, डॉट ओडीबी से, डॉट एसीसीडीबी से, या डॉट बीएएस से। ठीक है, तो यार जो हमारा ऑफिस का एक्सेस है वो उसको सेव करता है डॉट ACCDB से। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट, किनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है, टेबल, फॉरम, वर्कशीट या फिर मॉड्यूल, है ना। तो यार ना, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट है, इसमें टेबल्स भी आते हैं, फॉरम्स भी आते हैं, मॉड्यूल्स भी आते हैं, पर वर्क स्टेशन नहीं आता है, ठीक है, या फिर वर्कशीट नहीं आती है। तो इसमें क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन एम एस एक्सेस, है ना। तो ने पूछा कि कौन सा ऐसा टेबल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है हमारे माइक्रोसॉफ्ट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर नहीं है पार्ट, फील्ड नेम, फील्ड टाइप, प्राइमरी की या फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें फील्ड का नाम भी होता है, फील्ड की टाइप्स भी होती हैं, है ना। जैसे मान लो किसी कोई किसी का नंबर डाटा इंसर्ट करना है तो उसका टाइप होगा नम, है ना। किसी को अगर टेक्सचुअल डाटा करना है तो उसको जो उसका टाइप होगा वो क्या होगा, कैर, ठीक है, या फिर कैरेक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। पर प्राइमरी की भी होती है ना, उसमें हम सेट कर सकते हैं उसको, किसी फील्ड को हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं ताकि वो यूनिकली, जैसे
किसी पर्सन की प्राइमरी की क्या होगी, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, है ना, जिससे हम उस पर्सन का पूरा पूरा रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी तीनों फील्ड्स होती हैं, पर जो हमारा नंबर ऑफ रिकॉर्ड होता है ये फील्ड इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। तो क्या आएगा इसका आंसर डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट आगे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एम एस एक्सेस। यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो वैलिड डाटा टाइप नहीं है एम एस एक्सेस के अंदर। ठीक है, मेमो भी होता है, ठीक है, मेमो को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग इंट भी बोलते हैं, है ना, मेमो का जो अल्टरनेटिव नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग इंट भी बोलते हैं उसको, है ना। तो मेमो, ठीक है, मेमो भी प्रेजेंट होता है, करेंसी भी प्रेजेंट होती है उसमें, और ऑटो नंबर भी क्या होता है हमारा, प्रेजेंट होता है। जो हमारा पर पिक्चर होता है ये उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इस तरह का कोई भी हमारा डाटा टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट आगे हमारे पास, इन एम एस एक्सेस हाइपरलिंक डाटा टाइप कैन बी स्टोर। जो हमारा हाइपरलिंक डाटा टाइप होता है वो किस तरह का डाटा स्टोर करता है, वेब एड्रेस को, ईमेल एड्रेस को, पाथ ऑफ ए फाइल, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो हम जो भी हमारा हाइपरलिंक होता है उसके अंदर हम ये सारी चीजें दे सकते हैं, वेब का एड्रेस भी दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, पाथ ऑफ फाइल भी दे सकते हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा डायरेक्टली हमारा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच इज द शॉर्टकट की टू इनवोक द स्पेल चेकर इन एम एस एक्सेस, है ना। अब यहाँ पे एम एस एक्सेस में मुझे अगर स्पेल चेकर को इनवोक करना है तो मुझे कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे F2, F7, F3 या फिर Alt प्लस F7। तो यहाँ पे याद रखना हम यूज करते हैं F7 शॉर्टकट की का। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉरम आ। ठीक है, यहाँ बोले दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, राउटर बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं, या फिर टनल बोलते हैं। तो उसको याद रखना हम क्या बोलते हैं, दो या दो से अधिक, जो भी जब भी हम नेटवर्किंग में की बात करते हैं हम बोलते हैं जब भी हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उसको बेसिकली हम बोल ही देते हैं वो क्या है हमारा नेटवर्क, है ना। वो जो हमारा फर्स्ट नेटवर्क था उसका क्या नाम था, आर्फानेट, है ना, आर्फा नेट, और कब बना था, 1969 में। नेक्स्ट आगे हमारे पास, द चैनल रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज मेजर्ड इन। ठीक है, यहाँ पूछा कि जो हमारा चैनल रेट होता है डाटा ट्रांसमिशन का उसको हम किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में, हर्ट्ज में, माइक्रोन में, या फिर बिट्स पर सेकेंड में। ठीक है, तो यार में जब हम डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड को मेजर करते हैं तो हम उसको मेजर करते हैं बीपीएस में। ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं बिट्स पर सेकेंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एबल टू शेयर अ डाटा इन शॉर्ट डिस्टेंस। अब मुझे शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर डाटा को शेयर करना है तो मैं कौन सा डिवाइस का यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोवेव, ब्लूटूथ, सैटेलाइट, या फिर इंफ्रा रेड। ठीक है, अब शेयरिंग के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट के लिए ब्लूटूथ, है ना, और ब्लूटूथ को हम किसके अंदर रखते हैं, पैन के अंदर। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर। फिर नेक्स्ट आ गया, इफ अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क शेयर रिसोर्सेज फॉर अदर्स टू यूज, है ना। अब ये बोल रहा है एक ऐसा कंप्यूटर है नेटवर्क में जो क्या करता है, हेल्प करता है रिसोर्सेज को शेयर करने का, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, मेन फ्रेम बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली जो एक कंप्यूटर है, ठीक है, अब सर्वर क्या काम करता है, मान लो ये सर्वर और यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स है ना, तो सर्वर क्या करता है, हर एक क्लाइंट को क्या करता है, रिसोर्सेज शेयर करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा डायरेक्टली इसका, सर्वर। नेक्स्ट आ गया, मैन रेफर्स टू, ठीक है, मैन की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी है, मीडियम एरिया नेटवर्क नहीं होती है, मेगा एरिया नेटवर्क नहीं होती है, मिनी एरिया नेटवर्क नहीं होती है, तो इसकी क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, CSMA-CD इज अ प्रोटोकॉल ऑफ, है ना। यहाँ पे बोला है कि जो हमारा कैरियर सेंस मल्टीप्लेक्सेस कोलिजन डिटेक्शन जो प्रोटोकॉल होता है वो किसके ऊपर काम करता है, बस टोपोलॉजी के ऊपर, रिंग टोपोलॉजी के ऊपर, स्टार टोपोलॉजी के ऊपर, या फिर ट्री टोपोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो याद रखना जो हमारा CSMA-CD है ये काम करता है हमारा बस टोपोलॉजी के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है, पूछा है कौन सा ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो फायरवॉल सिस्टम प्रोवाइड करता है हमें और अनऑथराइज एक्सेस को हमारे नेटवर्क में नहीं होने देता है, ईथरनेट, हब, गेटवे, या फिर राउटर। ठीक है, तो याद रखना हमारा जो गेटवे होता है ये एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो फायरवॉल सिस्टम को प्रोवाइड भी करता है और हमें प्रिवेंट भी करता है अनऑथराइज एक्सेस से। नेक्स्ट आ गया, द कॉमन नेम ऑफ ए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज, है ना। यहाँ पे नाम पूछा है, मॉड्यूलेटर
मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का जो कॉमन नाम है उसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्टली, मॉडर्न, है ना, मॉडर्न बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कोई आंसर नहीं है, नेटवर्कर भी बोलते हैं, ज्वाइनर भी नहीं बोलते, कनेक्टर भी नहीं बोलते, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन ओएसआई मॉडल। कि हमारा ब्रिज है वो ओएसआई की कौन मॉडल में कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है, फिजिकल के ऊपर, डाटा लिंक लेयर के ऊपर, बोथ ए एंड बी, या फिर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। ठीक है, जो हमारा ब्रिज होता है वो कौन सी लेयर का हमारा डिवाइस है, वो हमारा डाटा लिंक लेयर का डिवाइस है। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर बी, डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, आईपी एड्रेसेस कैन बी रिटर्न है। जो हमारे आईपी एड्रेसेस होती है उसको हम किस में लिखते हैं, बाइनरी फॉर्म में, फ्लोटिंग पॉइंट में, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, या फिर हेक्सा डेसिमल नोटेशन में। ठीक है, जो हमारा आईपी एड्रेस होती है उसको हम किस में लिखते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन के अंदर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।